नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। दोस्तों आज शायद दो ही डीआई में करवा पाऊँ, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम है एक, तो मे भी शायद आज मैं सिर्फ दो ही डीआई करवाऊँ। अगर जल्दी जल्दी हो जाएगा तो कोशिश करेंगे पूरा ही तीनों ही कर लें। और ये सब चीज़ों के लिए टेंशन मत लेना कि अरे सर 30 क्लास के लिए पैसा दिए, जो लोग 349 में लिए हैं टेंशन मत लेना दोस्तों, 30 से ज़्यादा ही देकर जाऊँगा मैं, एक दो क्लास एक्स्ट्रा ही लेकर जाऊँगा। अर्थमेटिक के बेसिक कंसेप्ट वगैरह भी देकर जाऊंगा मैं इस कोर्स में, तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। जल्दी बनाइए। और डेटा के लिए मैंने फिर से कुछ सेटिंग्स चेंज की हैं, तो अभी एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूं दोस्तों कि डेटा कितना यूज हो रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए यहां पर क्या बोला गया, पहले तो डेटा को समझिए। डोनर शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन 7 विलेजेस इन पंजाब। तो 7 विलेज आप लोगों को यहां पर पंजाब के दिख रहे हैं, जिसमें टोटल आप लोगों को बताया गया। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, अगर बेस वैल्यू सेम है सारे के लिए, इस पूरे पाई चार्ट की बेस वैल्यू तो सेम है ना, तो आपको परसेंटेज में आंसर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बोल रहे द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन मलॉट एंड रायकोट, ये दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, एंड द टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन जैतू एंड धूरी। तो जैतू और धूरी देखो भाई कितने दिख रहे हैं आपको, ये दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन ऑल द विलेजेस दैट हैव ओनली वन पर्सन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स हैव ओनली वन पर्सन। क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर से देखो क्वेश्चन को। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन मलॉट एंड रायकोट एंड द टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन जैतू एंड धूरी। तो भाई इन दोनों का मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 18% आपको दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना दिख रहा है, 18 और 15, यानी कि कितना हो गया भाई 18 15, ये दोनों का डिफरेंस जब आप निकालोगे तो 15 आएगा, ये आपका आ रहा है। ये देखो ये दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे 18% और 18 प्लस 15% का, 18 18 कट गया, बचा कितना, 15% बचा ना, माइनस में नहीं होता डिफरेंस कभी भी। तो 15% के लिए आपको क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स इन ऑल द विलेजेस दैट हैव ओनली वन पर्सन, मतलब 15% ऐसे लोग हैं जिनमें सिर्फ एक ही घर है। तो भैया 15% आंसर तो आ गया ना, और क्या करना, और कुछ भी तो नहीं करना था। क्या बोला है, क्वेश्चन समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया समझ में, जिनको नहीं आया सिर्फ वो लोग नो लिखिए, बाकी लोग यस लिखिए, मतलब बाकी लोग कुछ मत लिखो, जिनको नहीं आया समझ में नो लिख दो, बाकी लोग अगला क्वेश्चन बनाओ। सारे नो, अरे बाप रे इतने सारे नो। चलो फिर से बताता हूं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अभी तक तो ये वाला आंसर आ चुका होगा बाकी लोगों का।
आपको दोस्तों बोल रहा है, ध्यान से सुनना, द डिफरेंस बिटवीन, आप लोग ना तोड़ के नहीं पढ़ते हो क्वेश्चन को, द डिफरेंस बिटवीन मतलब हमको डिफरेंस निकालना है, मतलब ऐसे माइनस करना है, ऐसा ये मॉड लगा लेते हैं, दो लोगों का डिफरेंस निकालना है, बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन मलावत एंड रायकोट, तो मलावत और रायकोट में टोटल कितने दिख रहे हैं, 18%, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन जैतू एंड धूरी, तो जैतू और धूरी के कितने दिख रहे हैं, दोनों मिलाकर 33, तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना आता है, 15% आता है ना, 15% बोल रहे इज इक्वल टू, मतलब ये जो है वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन ऑल द विलेजेस दैट हैव ओनली 1%, मतलब कि बोल रहा 15% ऐसे घर हैं जहां पर सिर्फ एक ही बंदा रहता है, आप समझ में आया, बोल रहा है कि पूरे 15% जो है जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा ना, उतने घर ऐसे हैं जहां पर एक ही बंदा रहता है, हर घर में, हर घर में एक एक बंदा रहता है, ऐसे 15% घर हैं पूरे टोटल पंजाब में, पूरे पंजाब में ऐसे 15% घर हैं जिसमें एक एक बंदा रहता है, तो वही तो बताना था, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैव ओनली 1%, तो ऐसे कितने परसेंट हाउस होल्ड है, मतलब कितने ऐसे घर हैं जहां पर एक ही बंदा रहता है, तो ये निकल गया ना भैया 15%, ये 15% में ही तो एक एक बंदे रहते हैं घर में, उस चीज को समझिए, तोड़ तोड़ के ब्रेक करके उसको समझने की कोशिश किया करो, देखो अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन मलावत एंड जैतू टुगेदर, मलावत और जैतू को देखो भी कितना दिख रहा है, 25% दिख रहा है, इज 8% मोर देन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन जीरा एंड रायकोट, तो जीरा और रायकोट मतलब देखो भाई ये कितना दिख रहा है, 20 दिख रहा है, तो बोल रहे ये इससे कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, मल्टीप्लाइड बाय 100, गाना याद रखो कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100, बोल रहा था नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन मलावत एंड जैतू, मलावत और जैतू का देखो भाई कितना दिख रहा है, 25% इज मोर, मोर देन बोला ना मतलब ज्यादा है, कितना ज्यादा, 5% ज्यादा, ये देखो 5% ज्यादा है, किससे, हाउस होल्ड इन जीरा एंड रायकोट, तो जीरा और रायकोट वाले 20% हो रहे हैं, तो बस वही तो बोल रहा है यार कि 20% से ये 5% ज्यादा है, तो मैंने गाना क्या बताया था आपको, फॉर्मूला क्या बताया था, कितना अपॉन किससे मल्टीप्लाइड बाय 100, तो कितना ज्यादा दिख रहा है, 5 ज्यादा दिख रहा है, किससे ज्यादा दिख रहा है, 20 से 5 ज्यादा दिख रहा था, तो 20 को नीचे लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 5 × 5 यानी 25 आपका आंसर हो गया सॉल्व। पीछे क्या देखना है यार, क्या देखना भैया, कैसे कर दे रहे हो यार, साइकिल नहीं आई यार, क्या बोले, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहां पर, देखो थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन मलावत जैतू एंड रायकोट, तो देखो भाई रायकोट मलावत और जैतू यही तीनों की बात किया था, तो तीनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 15, 10, 25 और 8, 33, एंड द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन जीरा एंड ये दोनों की बात कर रहा है, तो ये कितना दिख रहा है, 12, 2, 24, 12, 3, 36, तो भाई ये दोनों का डिफरेंस बोला है, 33 और 36 का डिफरेंस यानी कि 3% होता है, अगर ये देखो इसमें क्या करेंगे भाई, 10% निकालना, 10 हटाओगे तो 10% बनता है, 20 हटाओगे तो 1% बनता है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये 1% है तो 3% कितना, 7.5, 7.5, 7.5, मतलब 2250, 6, 6 और 6 यानी 18, तो 2250 में 18 और ऐड कर दोगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा, क्लियर है, फिर से बता रहा हूं भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे किया मैंने मल्टीप्लाई, इस 756 को मैंने अपने दिमाग में 750 + 6 मान लिया,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, 75 इंटू 3 225 होता है ना, एक जीरो लगा लो ये वाला। अब ये 6 को 18 कर लो, ये दोनों को ऐड करोगे तो 2268। तो ओरली दिमाग में करने की कोशिश करना है ये सब। डिग्री वाला भी डीआई कराऊंगा, टेंशन मत लो, मैं सब टाइप के डीआई कराऊंगा, सब कुछ होगा भाई, सब कुछ होगा। बस देखो दोस्तों, मुझे सिलेक्शन चाहिए। देखो मुझे ना इस क्लास में यहां पर वो लोग चाहिए भैया जो सिलेक्शन के बाद कम से कम ये बोल सके, कम से कम लोगों को ये बोल सके भैया बिना अर्थमेटिक के सिर्फ डीआई के दम पे हमने सिलेक्शन लेके दिखाया है। और मुझे पता है यहां पर हैं ऐसे 400-500 लोग जो लेंगे सिलेक्शन, गारंटी है मेरी। तो बस अब आपको ये डिसाइड करना है कि वो 400-500 में आप हो कि नहीं हो। आप अर्थमेटिक करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत करके करो, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा इतना कि बिना उसके भी हम निकाल लेंगे पेपर, वो चीज मैं चाहता हूं बस। सर स्ट्रेस दिख रहे हो, स्ट्रेस इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि हड़बड़ी में हूं आज, थोड़ा बाहर जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, 25% ऑफ द हाउस होल्ड इन धूरी, बोल रहा है धूरी के 25% हाउस, तो धूरी के 25% हाउस कितने हो जाएंगे भाई, 18 और 9 यानी कि 2.7, सॉरी 18 दूना 36 और 5.4। क्या कर रहा हूं यार मैं, फिर से बता रहा हूं, 25% ऑफ द हाउस होल्ड इन धूरी, इसका 25% मतलब कितना हो जाएगा, इसका 25% निकालना है तो कितना हो जाएगा, देखो 10% है 1.8, 20% 3.6, उसमें 9 ऐड कर लो यानी 4.5। कैसे किया मैंने, देखो 18 का 10% कितना होगा 1.8, फिर 10% ऐड करो, फिर इसका आधा ऐड करो, ये सब को ऐड करोगे तो 4.5 आएगा। तो 10 10 20 और 5 ऐसे करके मैंने निकाला, ओरली निकालना है आपको, ठीक है ना। अब बोल रहा है एंड 13.888% ऑफ द हाउस होल्ड इन फजिल्का, अब 13.888% का फ्रैक्शन कितना होता है कोई बता सकता है। हमेशा याद रखिए जब भी इस टाइप की कोई फ्रैक्शन वैल्यू दी जाती है ना, वो कटेगी डेफिनेटली, हमेशा वो वैल्यू कटेगी जो भी दिया ना, ऑफ द हाउस होल्ड इन फजिल्का। फजिल्का वाले कितने दिख रहे हैं, 13% दिख रहे हैं, तो 13 का 13.888% निकालने बोला है आपको। तो क्या बोल रहा है यहां पर देखो, 25% ऑफ द हाउस होल्ड इन धूरी एंड 13.888% ऑफ द हाउस होल्ड इन फजिल्का हैव एग्जैक्टली 4%। एग्जैक्टली उनके कितने परसेंट है, 4% है। मतलब भाई ये जो पहला क्वेश्चन था, जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वही चीज आपको बोला गया है, बिल्कुल वही चीज आपको बोला गया है। क्या बोला गया है कि इतने घरों में एग्जैक्टली चार चार लोग रहते हैं, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड इन फजिल्का एंड धूरी दैट हैव एग्जैक्टली 4%। तो आपको वही 4% निकालने, मतलब जिस घरों में 4% रहते हैं वो आपको निकालने। तो 4.5% तो यहां से आ गया। अब अगर दोस्तों आपको इसका फ्रैक्शन वैल्यू नहीं भी पता है ना, तो भी आप इजीली निकाल सकते हो भाई, नॉर्मली 13 को 13.888 से मल्टीप्लाई कर दो। 13 का कितना होता है कोई बता सकता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है कोई बता सकता है, 169 होता है, याद है कि नहीं याद है भाई, तो अप्रॉक्स लेकर निकाल सकते हैं। देखो इसको हम पूरा मान लेते हैं 13, या चलो इसको 13.888 है ना, इसको आप 14 मान लो और कम कर देंगे बाद में, तो इसको पूरा 14 मान लेते हैं। तो 13 × 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 13 × 13 हमारा कितना होता है 169, उसमें 13 और ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब 182 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.82%, 1.82%, तो आप इसको 1.8% मान लो, तो ये कितना हो गया 8 5 13 3, इधर कैरी 1 4 5 6 6.3, इसका 6.3% निकाल दो, वो आपका आंसर बनेगा। तो 6% कितना हो जाएगा भाई, 750 × 6 करोगे तो कितना हो जाता है, 7.5 × 7 1500, 15 × 3 4500, 4500 के आसपास वाला आपका आंसर बनेगा, मतलब कि 4567 से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि देखो 0.3 भी है, 0.3 भी है ना भाई, मतलब कि 4500 से थोड़ा ज्यादा वाला आपका आंसर बनेगा। क्या आंसर बनेगा, ओरली बताओ भाई, इतना करना ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, इतना कैलकुलेशन करना ही नहीं होता।
क्या बोला मैंने, देखो फिर से बता रहा हूँ दोस्तों से, ध्यान से सुनना, जो लोग भी बोलते हैं ना सर बहुत कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप आंसर इजीली निकाल कर ले आओगे। क्या किया मैंने, देखो मैंने ये किया कि 25% ऑफ द हाउस होल्ड इन धूरी, तो धूरी वाले का मैं 25% निकालूंगा। 25% मतलब क्या होता है भाई, 1/4 होता है, मैं 18 का 1/4 निकाल लिया मैंने, तो 18 का 1/4 निकालोगे तो आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि 13.888, इसको हम अप्रोक्स अप्रोक्स मान सकते हैं 14%। बोल रहा है 14% ऑफ द हाउसहोल्ड्स इन फजिलका हैव एग्जैक्टली 4%, तो फजिलका कितना दिख रहा है 13%, तो 13 का 14% निकालना है, मतलब 13 × 14 कर लो, 182 होता है, होता है ना, मतलब कि 1.82। अच्छा क्यों ऐसा होगा भैया, परसेंटेज निकाल रहे हो तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 13 का 14% ऐसे ही निकालते हैं ना, डिवाइड बाय 100 करके, तो नीचे अगर दो जीरो काटोगे तो ऊपर दो के बाद ऐसे पॉइंट लगता है ना, ये सब चीजें तो बचपन में पढ़े होगे उम्मीद करता हूं। तो अब देखो 1.82 अगर यहां से आ गया, 4.5 यहां पर है, आपने इस वैल्यू को थोड़ा बढ़ाया था, तो जो आंसर आ रहा है उसको थोड़ा कम कर लो, 1.8 कर लो, ये दोनों को ऐड करो, ठीक। अब आपको ये निकालना है, बस इतना निकाल लोगे ना इस वैल्यू का तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो देखो मैं इसका 6% निकालता हूं, 750 का अगर मैं 6% निकालू तो 4500 तो इतने में ही हो जाता है। अब मैं 756 का 0.3 भी मुझे निकालना है, और मैंने 756 का सिर्फ 750 लिया था, 6 तो मैंने लिया ही नहीं था, मतलब मैंने बहुत वैल्यू कम ली है, डेफिनेटली 4500 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 0.3 भी है ना, 4500 से थोड़ा ज्यादा वाला हमारा आंसर बनना चाहिए, समझ में आया। क्या बोल रहे हो, मुझे भी समझ नहीं आया, बी कैसे आ गया इनका, बी ही तो आएगा ना आंसर, 4676, तो ऑप्शन ही गलत है यार, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, 4676, ये 67 ऐसा आएगा, तो जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो भी क्लोज होगा आपको वो टिक करना है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, अब ऑप्शन की गलती है कि आंसर की गलती है मुझे नहीं पता, ऑप्शन में या तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है या तो आंसर में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, चेक कर लूंगा, तो जो भी आंसर है वो आपको इसी तरीके से टिक करना है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अप्रोक्स करके कैसे निकालते हैं, जो आप लोग जो सोचते हो ना कि यार लोग जल्दी कैसे निकाल लेते हैं, तो वो ये तरीके यूज करते हैं तभी वो जल्दी निकाल लेते हैं, कोई कोई बेवकूफ इंसान नहीं होता यार जो बैठकर पूरा इतना कैलकुलेट करते रहेगा, 13.888% उसका पूरा पहले निकालेगा फिर उसको पूरा, नहीं करते। जिनको सिलेक्शन चाहिए होता है ना, या जो सिलेक्शन लेते हैं, वो लोग ये सब चीजें यूज ही नहीं करते, वो स्मार्ट वर्क थोड़ा सा यूज करते हैं, थोड़ा बहुत अप्रोक्स कर करा के आंसर निकाल के टिक करके आगे निकल जाते हैं, होती हैं गलतियां उसमें, एक आध क्वेश्चन गलत हो भी जाता है, पर वो कितने ज्यादा क्वेश्चंस बना लेते हैं ये भी तो सोचिए। आप एक्यूरेसी में अगर जाओगे कि हाँ एक्यूरेसी चाहिए, चार क्वेश्चन आप बनाओगे धीरे धीरे धीरे, एक आध क्वेश्चन का रिस्क लेकर अगर आप 8 क्वेश्चन बनाओगे तो फायदा उसमें मिलेगा, तो थोड़ी बहुत जहां पर गुंजाइश है कि हाँ गलती होने के चांसेस बहुत कम है, जैसे इसमें ना के बराबर है, क्योंकि हमने पूरा अपना अप्रोक्सीमेशन बिल्कुल सही सही लिया था, समझ में आया। कुछ लोग अभी भी बोल रहे हैं सर फोर वाला कैसे आ गया, 4500 वाला आंसर बनेगा, कुछ लोग तो अभी भी बोल रहे हैं कि सर ये वाला आंसर बनेगा, अरे भैया 756 को 6.3 से मल्टीप्लाई करके देखो ना, 756 को 6.3 से मल्टीप्लाई करके देखो ना भैया, 6 × 3 = 18 एक कैरी, 5 × 3 = 15 = 16 एक कैरी, 7 × 3 = 22 फिर उसके बाद करेंगे 6 × 6 = 36 तीन कैरी, 6 × 5 = 30 3 = 33 तीन कैरी, 6 × 7 = 42 3 = 45 ये हो गया। अब ऐड करो 8 × 6 = 12 एक कैरी, 3 × 2 = 5 1 6 × 5 = 2 = 7 और ये 476 आ रहा है, तो यार 47 वाला यही तो आंसर था ना, करके देखो ना यार, सब कुछ मेरे से ही करवा देते हो एकदम। क्या चार का कुछ नहीं करना है, फिर वही चीज, चार का कुछ नहीं करना, आपको क्या बोला है क्वेश्चन में उसको समझो ना, बोल रहा है कि यहां पर जितने भी लोग होंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, 25% ऑफ द हाउस होल्ड इन धूरी, तो धूरी में अगर मान लो कि ऐसे 100 घर हैं तो उसका 25% यानी कि 25 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है एंड, इसको 14% मान लेते हैं, 14% ऑफ द हाउस होल्ड इन फजिलका, तो मान लेते हैं कि फजिलका में 50 घर थे,
तो इसका 14% मतलब कि 7 हो जाएगा। तो ये 7 घर और यहां के 25 घर, इन घरों में सिर्फ चार चार बंदे रहते हैं, इन घरों में सिर्फ चार चार बंदे रहते हैं। तो आपको पूछ रहा पूरे पंजाब में मतलब सॉरी पूरे पंजाब में नहीं, इन दोनों जगह पे चार चार बंदे रहने वाले घरों की संख्या कितनी होगी? तो भैया यहां के 25 यहां के 7 दोनों को ऐड कर दो। ये आपको बताना था, ये आपको बताना था। वो 4% से कोई लेना देना नहीं है, वो बोल रहे हैं उनके घरों में चार लोग रहते हैं, एक घर में चार लोग, एक घर में चार लोग, एक घर में चार लोग। तो हमको क्या करना है, चार लोग रहे तीन लोग रहे, हमसे पूछा है चार लोग रहने वाले घर का टोटल बताओ, हमने बता दिया। थर्टीन पॉइंट एट एट का फ्रैक्शन तो मुझे भी नहीं याद, इसलिए तो 14 लेके किया हूं, इसलिए तो 14 लेके किया हूं, याद रहता तो मैं वो लेके नहीं करता क्या। सिक्स पॉइंट टू फाइव का होता है बाय 16, तो 6.25 का होता है 1/16, 6.25, 6.25 मतलब 12.50 होता है। अच्छा 12.50 का तो पता है, 13 का कैसे करेंगे यार, याद नहीं आ रहा है मुझे। देखो क्या बोल रहे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड इन जीरा एंड फजिलका। जीरा और फजिलका को देखो, जीरा और फजिलका कितने दिख रहे हैं भाई, 25% दिख रहे हैं। इसका रेशियो निकालना था, टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड इन द थ्री विलेजेस विद द लोएस्ट पॉपुलेशन। तो तीन विलेजेस लोएस्ट पॉपुलेशन जहां जहां पर है, तो कौन कौन सी दिख रही है भाई, 8, 10 और 12। 8, 10 और 12 मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। ये 5, ये 6, 5, 6 आपका आंसर कहां गया भाई, और भी है कि इससे कम। अच्छा एवरेज बोला है दोस्तों, एवरेज बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो, टू द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाउसहोल्ड इन द थ्री विलेजेस, तो तीन विलेजेस ये देखो, 10 वाला 12 वाला 8 वाला, ये तीनों लोवेस्ट है, तीनों को ऐड करोगे तो 30 आएगा, एवरेज निकालोगे तो 10 हो जाएगा। तो 25 और 10 का एवरेज सॉरी रेशियो जब आप निकालोगे, तो 5 से काटे 5, 5 से काटे 2, 5 2 आपका आंसर बनेगा। 5-6 आंसर देने वाले, 5-6 आंसर देने वाले, मैंने भी वही गलती की थी तो इसलिए नहीं बोलूंगा कि कैसे कर दे रहे हो। तो ये है आंसर, आगे चलते हैं। 5-6 नहीं आ रहे भैया, एवरेज बोला था नीचे वाले के लिए, तो 30 की जगह आपको उसका एवरेज लिखना था, 30 की जगह उसका एवरेज लिखना था आपको, तो 5-2 आंसर आएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो यार, फटाफट फटाफट, थोड़ा मतलब ना एक वो कॉम्पिटिशन वाली भावना आनी चाहिए अंदर से। हिंदी में नहीं बोला, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि हिंदी कन्वर्ट किया जाता है गूगल ट्रांसलेट के थ्रू, तो गलती हो सकती है उसमें। देखो छोटी मोटी गलतियां दोस्तों क्वेश्चन बनाते समय होती है, जो भी बंदा क्वेश्चन बनाता है ना, तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चन बनने के बाद वो टेस्टिंग नहीं होती है, उन क्वेश्चन की टेस्टिंग नहीं होती, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा फिर उसकी टेस्टिंग होगी, फिर दोबारा टेस्टिंग होगी, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें, मैं डायरेक्ट ही ले लेता हूँ, क्योंकि कुछ भी गलती होगी क्लास में समझ में आ जाएगा क्या गलती है, तो टेस्टिंग क्या करना उसका, हमको भी तो समझ में आना चाहिए ना भाई कि गलती क्या है। गलती पकड़ना भी एक अपने आप में आर्ट होता है, क्वेश्चन हर कोई गलती नहीं पकड़ पाता, लोग ये अपने आप को ही गलत समझते रहते हैं, हम ही गलत है, हम ही गलत है, हम ही गलत, क्वेश्चन में गलती ही ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है, तो क्वेश्चन की गलती भी आपको समझनी चाहिए। हिंदी से 5-6 था तो ठीक है, आप 5-6 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। चलिए आंसर निकालते हैं दोस्तों इसमें, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत लोगों ने निकाल लिया होगा, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। यहां पर दोस्तों क्या बोला है, बार ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 यूनिट्स एंड एन इंडस्ट्री इन मार्च एंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय ईच यूनिट इन मार्च एज कंपेयर टू दैट इन मार्च सॉरी इन मे एज कंपेयर टू दैट इन मार्च।
तो बोल रहा है परसेंटेज इन मार्च आपको यहां पर दिया हुआ है और इंक्रीज कितना हो रहा है मई के महीने में, ये आपको बताया है। ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये देखो ये आपको 12% दिख रहा है, ये आपको 29% दिख रहा है, ये आपको 20% दिख रहा है, ये आपको 23% दिख रहा है, ये आपको 16% दिख रहा है। टोटल कितना हो रहा है, 30, 40, 41, 41 और 50, 60, 70, 80, 90, 100, टोटल 100 दिख रहा है ना। ध्यान से सुनना, अगर मान लो मैं आपको बोलता हूं कि मार्च के महीने में टोटल 500 मैट्स मैन्युफैक्चर किए गए थे, मैं ऐसा बोल रहा हूं 500, ये यहां पर तो 15,000 दिख रहा है, मैं ऐसा 500 मान लिया, या एक काम करते हैं इसको इसको ना दो जीरो को भी हटा लेते हैं, 150 ले लेते हैं, दो जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। ये देखो ये दो जीरो को हमने हटा लिया, 150 ले लिया ताकि थोड़ा आसान हो जाए निकालने के लिए, या 1500 ले लो वो भी चल जाएगा, वो आपकी मर्जी है दोस्तों, आपकी मर्जी, जो लेना है लो। अब देखो मार्च के महीने में परसेंटेज दिया है, मतलब आपको 1500 का ये वाला परसेंट निकालना है, तो 1500 का 12% निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 1500 का 12% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 120 और 60 यानी कि 180 होगा। वैसे ही अगर 1500 का अगर 20% निकालना है तो 300 हो जाएगा, 1500 का अगर 16% निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई, 15 × 15 = 225 होता है, 15 × 15 = 225 होता है, 1/15 उसमें और ऐड कर दो 240 भाई, 15 × 15 करोगे 225 होता है, पर हमको 15 × 15 नहीं 16 करना था, मतलब एक बार 15 और ऐड करना था, कर दो ऐड 240 आ गया। इसमें देखो भाई 15 × 20 करोगे, मतलब 20% पहले निकाल लो, तो 1500 का 20% निकालोगे तो 300 आता है, उसमें तीन बार 15 और ऐड करना है, तीन बार 15 और ऐड करना है, किसमें 300 में, तो 345 हो गया। तो ऐसे आपको निकालना है परसेंटेज, समझ में आया, ऐसे आपको निकालना चाहिए परसेंटेज, समझ में आया। अच्छा ये 29% निकालने तो क्या करूंगा मैं, पहले 30% निकालूंगा, 1500 का 30% मतलब 15 × 45 450, पर 1% कम करना है तो 450 में 15 कम कर दो 435 हो गया। ओरली कैलकुलेशन करने की आदत डालोगे, अरे यार फिर नो नीड लिख देते हो ना यार, मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज, मैं परसेंटेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं, बोलते नो नीड परसेंटेज कैलकुलेट करने की नो नीड है क्या, मैं सिखा रहा हूं कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं जल्दी जल्दी, यहां ठीक है जरूरत नहीं, कहीं तो जरूरत पड़ेगी परसेंटेज कैलकुलेट करने की, तो चीजों को सीखो ना। अब देखो यहां पर दोस्तों ये जो डेटा था मार्च का, ये तो हमने निकाल लिया, ये तो हमको पता चल गया। अब डेटा जिनको नहीं समझ में आया इस चीज को समझिए कि अगर मार्च के महीने में 180 है तो मई के महीने में इंक्रीज कितना हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू मार्च, तो 20% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस वाली वैल्यू 180 से 20% इंक्रीज हो रहा है, 180 का 20% कितना होता है 36, इसमें 36 को ऐड कर दो यानी 216, समझ में आया। ऐसे आपको वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी तो आपको ऐसे वैल्यूज निकालनी है, यह चीज समझ में आ गया। रचना जी को समझ में नहीं आया, रचना जी क्या नहीं समझ में आया भाई, आपको इस 15,000 की ये वैल्यूज निकालनी है, ये 15,000 मार्च में दिया हुआ है ना, ये देखो टोटल नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च, मार्च में कितने 15,000 है, तो मार्च वाला देखो परसेंटेज इन मार्च, अगर इसी चीज को मैं पाई चार्ट में बना देता तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाता। अब यहां पर देखो ए बी सी डी ई करके ऐसे लिख देंगे, ए बी सी डी ई, ए वाला कितना है 16%, बी वाला कितना है 23%, सी वाला कितना है 20%, डी वाला कितना है 29%, ई वाला कितना है 12%, तो आपको अगर ये 15,000 इस पाई चार्ट की वैल्यू दे देगा तो आप नहीं निकाल पाओगे ये सब की वैल्यू, तो वही तो करना है भैया। ये देखो ना परसेंटेज इन मार्च, मार्च में कितना है, ए में 16, बी में 23, सी में 20, डी में 29, ई में 12, सबको मिलाओगे तो पूरा ये 100% का पाई चार्ट बन रहा है, जो कि वैल्यू है 15,000। मैं डेटा समझा रहा हूं, डायरेक्ट भी तो कहो हो जाएगा, अनीता जी वेट करिए ना, अरे भगवान मेरे को ना सच में ये चीज नहीं समझ में आता है।
आप लोग इतना शॉर्टकट के ही पीछे क्यों लगे रहते हो? जो एक नया बच्चा आया है, जो एक नया बच्चा आया है, जैसे अगर मैं बोलूं भाई कोई एक दूसरी तीसरी क्लास का बच्चा है स्कूल गया, चौथी क्लास का बच्चा है जिसको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, उसके सामने अगर लिखा है 12 × 13, या थोड़ा और इजी ले लेते हैं, उसके सामने अगर लिखा है 82 × 4, तो मैं उसको ऐसा सिखा रहा हूँ कि 4 × 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, फिर 8 × 4 करोगे तो 32 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसा ज़रूरत नहीं है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यार उसको तो नहीं पता ना, उसको तो नहीं पता, तो मुझे तो सभी के हिसाब से बताना होता है ना। मैं आपको डायरेक्ट वाला भी बताऊंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट वाला नहीं बताऊंगा, पर थोड़ा सब्र रखा करो, थोड़ा सा सब्र रखा करो प्लीज। अब देखो दोस्तों, ये डेटा समझ में आ गया क्या है कि भाई अब जो भी वैल्यू आएगी उसका 20% बढ़ाना है। जैसे कि जो लोग डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहे हैं ना, डायरेक्ट डायरेक्ट, वो क्या डायरेक्ट डायरेक्ट बोल रहे हैं, 12% का 20% बढ़ा दो। 12 का 20% कितना होता है? 2.4। 12 में 2.4 बढ़ाए मतलब कि 14.4, यही बोल रहे हो ना आप लोग डायरेक्ट वाले। 29 का 4% बढ़ाना है, 29 का 4% मतलब 4 × 3 = 12, 12 में 4 कम किए मतलब कि 11.6, इसमें 11.6 ऐड कर दो, 40.6, यही बोल रहे हो ना। 20 का 20% बढ़ाओगे मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। सॉरी यार, यहां पर मैंने 1.16 होगा ना, मैंने ये गलत कर दिया ये वाला, ठीक है एक मिनट रुक जाओ। तो जो भी है फलाना फलाना, ठीक है ये चीज समझ में, यही बोल रहे हो ना डायरेक्ट वाले जितने भी हैं। तो इस चीज को डायरेक्ट नहीं समझाया जा सकता ना भाई, सबके हिसाब से समझाना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट कर लिया करो चीजों के लिए। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला है, तो हम पहले के चलते हैं क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट सी इन मे? तो भाई सी का मे में कितना है, सी का मे में कितना दिख रहा है? 20% का 20% ज्यादा। तो 20% से 20% ज्यादा मतलब क्या होता है, पहले तो देखो कि 20% का 20% कितना होता है। 20 का 20% निकालोगे तो कितना होता है, 4 होता है। उतना ज्यादा मतलब कितना हो गया, 24% हो गया ना। टू द टोटल नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ए इन बोथ द मंथ रेस्पेक्टिवली। क्या 14.4 कैसे हुआ? अरे आलोक जी, 12% का 20% 2.4 होता है ना, तो उतना ज्यादा है ना मई के महीने में, तो 14.4 हो जाएगा ना। सही तो होगा ना। चलो आगे देखो। अब देखो दोस्तों आगे आपको क्या बोल रहा है, आगे आपको बोल रहा था ये देखो, टोटल नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन बोथ द मंथ्स रेस्पेक्टिवली। तो ए का दोनों मंथ मिलाकर आपको निकालना है। तो पहले ए का आप देखो कि इसमें मार्च में कितना था, 16% था। अब 16% से 15% ज्यादा का मतलब क्या होता है, 16% से 15% ज्यादा, तो 16 का 15% कितना होता है भाई, 10% होगा 1.6, और 5% कितना होगा, 0.8, तो ऐड करोगे तो 2.4 यही होगा ज्यादा। समझने की कोशिश करिए दोस्तों, जो भी बिगिनर्स हैं जिनसे नहीं बनते डीआई। 16% तो मार्च का है, मैं यहां लिख देता हूं, ये मार्च वाला जो है वो 16% है, लेकिन जो मई वाला है ना वो इस वैल्यू से 15% ज्यादा है। तो ये वैल्यू अभी के लिए आप मान लो 16, 16 से 15% ज्यादा कितना होता है, तो 15% होता है 2.4, उतना बढ़ा दो इसमें यानी 18.4। तो ये दोनों को ऐड कर लो, 16 × 2 = 32, 33 × 34, 34.4। अब दोस्तों अगर ये पॉइंट हटाना है तो यहां पर जीरो लगा सकते हो आप लोग, अगर यहां का मुझे पॉइंट हटाना है तो ऊपर में जीरो लगा सकते हैं ना हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ये 120 आ गया, नीचे 122 आ गया, फिर ये 61 आ गया, ये 60 आ गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया समझ में नहीं आया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट सी इन मे? तो सी का मे में निकालना था, क्या गड़बड़ की है यार हम, 16 × 2 = 32, 33 × 34.4।
जो लोग बोल कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 15,000 15,000 वो तो कट जाएगा ना भैया ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका मतलब नहीं है। सर एक बार पूरी वैल्यू से करके बताओ, कर लेते हैं रुक जाओ। अच्छा डिवाइड गलत किया हो यार, देखो बताओ, अच्छा खासा कैलकुलेशन करने कर लेते हैं, पर ना जब डिस्टरबेंस होता है तो फिर डिवाइड भी गलत होता है। ठीक है कोई बात नहीं, सह लेंगे थोड़ा। इसको जब हम काटेंगे तो कितना आएगा, 172 आएगा। ठीक है उसके बाद फिर से 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8 और 6। ठीक है तो 60 और 86, मतलब कि इसको काटेंगे तो 43, इसको काटेंगे तो 30, मतलब कि 30 और 43 आपका आंसर बनेगा। ये अच्छा, अब जो भी लोग बोल रहे हैं कि सर इसको डायरेक्ट करके बताओ दोस्तों, मतलब जो लोग बोल रहे हैं कि सर इसको वैल्यू से करके बताओ, इतना लंबा चौड़ा क्यों जाना चाहते हो आप लोग, बड़े हौले हौले पूछ रहा हूँ, बताओ इतना लंबा क्यों जाना चाहते हो आप लोग, वैल्यू से करके बताना है। कर देते हैं भाई, 15,000 की 20% कितना होता है, 3,000, 3,000 का 20% ज्यादा मतलब 3,600, तो सी का मे वाला बोला था मतलब कि 3,600। ठीक, उसके बाद बोला था कि ए का दोनों मंथ का, तो ए का 16%, 15,000 का 16% निकालना है, 15 15 225 240 यानी 2,400, इससे 15% ज्यादा मतलब 240 और उसका आधा 120 यानी कि 3,600 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2760, दोनों को ऐड करो कितना हो रहा है 06, 7 4 11, 1 कैरी 5, 5160, 00 कट गया, इसको काटोगे 180, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 2 5 8, फिर इसको काटेंगे 3 से काट लेते हैं, 3 से 60 हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे 8 3 24, 6 3 18, फिर 2 से काटोगे तो ये हो गया 30 और ये हो गया 43। ये लो, तो पूरा डेटा निकाल कर भी बना दिया मैंने, पर इतना लंबा करने का क्या मतलब, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन, जिसकी कैलकुलेशन वीक है तो वो तो बेचारा फंस गया। समझ में आ रहा है, वो तो पैराग्लाइडिंग वाला हिसाब हो जाएगा, 100 200 ज्यादा ले ले भाई, दूसरा मेथड सिखा दे। तो इसीलिए वो वाला मेथड ज्यादा अच्छा है, इसमें देखो कितना कैलकुलेशन है। अब चलो मेरा तो कैलकुलेशन अच्छा है करके मैंने फटाफट निकाल लिया भाई 2760 2400 3000 3600, जिसका नहीं है कैलकुलेशन वो कैसे निकालेगा इतनी जल्दी, वो तो बैठे रह जाएगा ना एक ही क्वेश्चन में। तो समझिए चीजों को, समझना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, चीजों को समझिए। आपको अगर बोला है सी का मे वाला तो 20 का 20% ज्यादा मतलब कितना होता है भाई, 20 का 20% निकालो और इसमें ऐड कर दो, तो 20 का 20% होता है 4, इसमें ऐड किए तो आ गया 24। इसका रेशियो निकालना था किसके साथ, 16% का 15%, भाई ये तो 16% है, 16% का 15% कितना होता है 2.4, 240 होता है ना 16 × 15, तो 2.4 इसमें 2.4 ज्यादा कर दो, ऐड कर दो, मतलब 18.4, दोनों मिलाकर कितना हो गया 16 × 32 33 34.4, तो 34.4 को आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो लगाओगे, अब इसको काट दो आप पूरा आंसर आ जाएगा। 20 में 20% एक्स्ट्रा ऐड करना है जो कि होता है 4%, 20 का 20% 4% होता है, इस 16 में उसका 15%, तो 16 का 15% कितना होता है 2.4, उसको ऐड करना है तो 18.4 आएगा। उम्मीद करता हूं अब आ गया होगा दोस्तों, बहुत बार बता चुका हूं, बाकी अब आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे 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 और भी आ जाएंगे समझ में धीरे धीरे। ठीक है चलो जल्दी जल्दी इस डीआई को खत्म करते हैं दोस्तों, जल्दी करूंगा बोल के भी ना लेट हो जाता है यार। कौन है डायरेक्ट 6/5, क्या डायरेक्ट 6/5 भी है, इतना क्या शॉर्टकट मार दिए। डेली इतनी क्लास होगी तो डेटा का कुछ, चलो मैं डेटा का दोस्तों अभी मैंने कुछ सेटिंग्स की थी, एक बार मैं फिर से देख लेता हूं कितना डेटा यूज हुआ है। दो सौ पांच एमबी यूज हो गया अभी तक, नहीं 205 हो गया, 150 MB यूज हो गया, 150 200, यार अभी डेटा कम यूज हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है 150 MB यूज हुआ है अभी तक 40 मिनट में, मतलब अप्रोक्स 250 MB तक जाएगा आपका एक क्लास में।
कहां 334 कैसे हुआ? मोनिका जी कहां 334? कौन सा 334? चलिए डेटा के लिए दोस्तों मैं सेटिंग्स चेंज कर करके देखूंगा यार, करता हूँ यार कुछ एकदम, मैं क्या ही बोलूँगा, अब डेटा ज़्यादा लग रहा है तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ उसके लिए, बट मैं कोशिश करूँगा चेंज कर करके। चलो इधर ध्यान दो, इसमें क्या बोल रहा है, वॉट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट बी इन मे? तो मे के मंथ में क्या बोल रहा है, बी वाले में, तो बी वाले में मे मंथ में मतलब ये आपको निकालना है, ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी इन मार्च रेस्पेक्टिवली। तो डी का मार्च तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो भाई, 29% दिख रहा है आपको डी का। इस वाले का निकालना है तो 23 का 8% कितना होता है, 8 या 24, देखो फिर से बता रहा हूं ध्यान से सुनना, 23 का 8% आपको बढ़ाना है, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, पहले मेरी सैलरी 23,000 रुपए थी, फिर 8% का इंक्रीमेंट लग गया अगले साल, तो मेरी सैलरी कितनी होगी, 23,000 प्लस 23,000 का 8%, तो वही करना है भैया। देखो ये 23% है, इसका 8% इसमें ऐड कर दो, तो इसका 8% कितना होता है, 8 या 24, 2 कैरी, 8 दुना 16, 17, 18, यानी कि 1.8, 1.84 होता है, इसमें ऐड कर दो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो इसका आपको रेशियो निकालना था 24.84 के साथ, तो पॉइंट को हटा देते हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब इसको काटो 1450, इसको काटोगे 1 2 4 2, फिर इसको काटोगे 6 2 1, इसको काटोगे तो 7 2 5, तो इस वाले को देखो 621 725, 621 725, ये आंसर आ गया। देखो अभी ना जो भी लोग वैल्यू निकाल निकाल कर कर रहे होंगे दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक चीज लग रही होगी कि सर क्या कर रहे हो आप, इतना जल्दी जल्दी कैसे आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। अभी भी डाउट होगा बहुत लोगों के मन में, किसके किसके मन में डाउट है, जिनके मन में है सिर्फ वही लोग कमेंट कीजिए। जिनके मन में डाउट है सिर्फ वही लोग लिखिए। देखो दोस्तों फिर से बता रहा हूं आप लोगों को क्वेश्चन में क्या, आप बाकी लोग ये वाला क्वेश्चन बनाओ, आप लोगों को क्या पूछा गया था, रेशियो निकालना था, किसका किसका रेशियो निकालना था, डी का ये 29%, एक बार देख लेता हूं मैं, डी इन मार्च, बी का मैं, ठीक है। तो आपको बोला था डी का मार्च वाला डेटा और बी का मे वाला डेटा, इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। पहले तो आप लोग डेटा को ही समझो तभी तो आंसर बनाओगे, नहीं तो कैसे बनाओगे। तो ये तो 29% दिख रहा है, आप इसको 29% लिख लो। इसका रेशियो आपको किसके साथ निकालना था, बी के मई वाले के महीने के। तो भैया मई में मेरी सैलरी कितनी होगी, अगर मार्च में मेरी सैलरी 23 रुपए है तो मई के महीने में 8% का इंक्रीज लग जाता है, इसको 23 को 2300 मान लो, ठीक है, थोड़ा आसान लगेगा आपको। 2300 रुपए मेरी सैलरी है मार्च के महीने में, पर मई के महीने में कितना हो रहा है, देखो इंक्रीज परसेंट इन में, मई के महीने में 8% मेरी सैलरी बढ़ गई, तो भैया जो पहले थी उसी में तो 8% बढ़ाऊंगा ना, तो इसका 8% निकाल के इसमें ऐड कर दो, या फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट इसका 108% निकाल लो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। तो इसमें मैं 8% इसका ऐड करूंगा ना, 8% कैसे निकालेंगे, देखो इंटू 8 कर लो, सिर्फ 23 से मल्टीप्लाई करो, 0 0 करने की जरूरत नहीं, 8 या 24, 2 कैरी, 8 2 16, 2 18। अब देखो 2 जीरो दिख रहे हैं, मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे,
मतलब हम बोल सकते हैं कि 23 का 1.84 जो है वो 8% होता है, 23 का 1.84 जो है वो 8% होता है। तो अगर मेरी सैलरी 23 रुपए थी, अब 1.84 बढ़ गई मई के महीने में, तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई? 24.84। भाई पॉइंट अगर मैं हटा रहा हूं यहां पर, देखो दो पॉइंट के बाद दो दो डिजिट है ना, 24 पॉइंट को मैंने हटा दिया, 8 4 तो दो थे ना, तो यहां पर दो जीरो लगा दो। अब इसको सॉल्व करो, दो से काटोगे 1 2 4 2, इसको दो से काटोगे 1 4 5 0, फिर इसको दो से काटोगे 6 2 1, इसको दो से काटोगे 7 2 5, आ गया आंसर 625 और 700, 621 और 725, ये देखो 621 725 आ गया। चीजों को समझिए कि करना क्या है, तभी तो निकालोगे आंसर। बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ई इन मे, तो ई का मे वाला निकालना है। 12 का 20% ज्यादा, मतलब फिर से वही, अगर मेरी सैलरी अभी 12 रुपए, अगले महीने 20% बढ़ गया, तो 12 का 20% बढ़ा दो, यानी 2.4, इतना हो जाएगी ना सैलरी अब मेरी। भाई पहले 12 थी, अब 20% बढ़ गई, मतलब 14.4 हो जाएगा ना। पहले 100 रुपए सैलरी थी, 20% बढ़ गई तो 120 हो गया ना। तो पहले अगर मेरी सैलरी 12 रुपए थी, 20% बढ़ गई तो कितनी होगी? 14.4। ये फटाफट निकालना है आपको ओरली कैलकुलेशन करके। अब बोल रहा है बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ई इन मे मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट डी इन मे, तो यूनिट डी मे का निकालना है आपको। 29 से 4% ज्यादा, 29 से 4% ज्यादा, मतलब 29 का 4% कितना होगा? 29 इंटू 4 कर लो, 9 चौक 36, 3 कैरी 4, 2 ना 8, 9 10 11, 1.16। 29 का 4% कितना होता है? 1.16 होता है, तो 29 में 1.16 ऐड कर लो, कितना हो गया? 30.16 हो गया, 30.16। तो बोला क्या था? बाय अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ई इन मे मोर और लेस देन द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट डी इन मे, तो बोल रहा है ये 14.4 जो है वो 30.16 से कितना ज्यादा या कम है। तो हमको तो ये कम दिख रहा है ना, 30.16 से 14.4 जो है वो कम है, कितना कम है निकाल लो भैया, माइनस करके माइनस करो इसको, कितना हो जाएगा? 6 में 0 गया 6, 11 में 4 गया, 11 में 4 गया 7, ठीक है, इधर 29 में 14 गया तो कितना बच जाएगा? 15। 15.76 कम दिख रहा है हमको, तो 15.76 डिवाइड बाय किससे कम है भाई? 30.16 से मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, 30 का आधा 15 दिख रहा है, 30.16 का 50% कितना होता है? 15.08 होता है, पर उससे थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मतलब 50% से थोड़ा ज्यादा। ये आपका आंसर हो गया सॉल्व। डी का मैं बता दीजिए एक बार, कैसे कर रहे हो यार। भाई देखो मेरी सैलरी पहले 29 रुपए थी, मेरी सैलरी आज 29 रुपए है, मार्च का महीना चल रहा है, मेरी सैलरी 29 रुपीज है, अगले महीने मेरी सैलरी जो है वो 4% बढ़ने वाली, तो इसका 4% निकालोगे ना ऐसे, तो 29 × 4 करोगे तो कितना आता है? 9 चौक 36, 3 कैरी, 4 2 8 और 3 11, डिवाइड बाय ये 100 था नीचे, तो अगर नीचे 2 0 है तो यहां 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा ना, मतलब पहले 29 थी तो अब 4 पर इतना बढ़ गई मेरी सैलरी, तो अब मेरी सैलरी कितनी हो गई? 30.16 हो गई ना। अब तो क्या नहीं समझ में आ रहा है यार, समझ में आया? खत्म करना पड़ेगा दोस्तों क्लास को, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी बना लो दोस्तों, फटाफट एक्सप्लेन करता हूं।
ये पीओ प्री लेवल है। हाँ जी बिल्कुल पीओ प्री लेवल है। इतनी जल्दी जल्दी तो आंसर आ रहे हैं भैया, पीओ प्री लेवल नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा। देखो इसी क्वेश्चन को ना, अब देखो फर्क पता है क्या पड़ता है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसको इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता, वो पूरी वैल्यू निकाल निकाल के निकाल निकाल के करता है, फिर बाद में बोलता है पेपर बहुत हार्ड आया था। अंकुश सर तो हलवा हलवा क्वेश्चन कराते हैं अपनी क्लास में, लेकिन पेपर तो बहुत हार्ड आया था। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है बस। और ये सब चीजें अपने आप समझ में आने लग जाती है एक समय के बाद, अपने आप आने लग जाती है। चलो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ए इन बोथ द मंथ्स। एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, चार्जिंग खत्म हो गई है, मैं लगा लेता हूं। तो देखो कहां गए, हाँ क्या बोल रहा था यहां पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमको डिफरेंस निकालना है, किसका किसका डिफरेंस निकालना है। ये देखो ये डिफरेंस निकाल रहे हैं भाई, ऐसे दो वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ए इन बोथ द मंथ्स, तो ए का दोनों महीने का, दोनों महीने का मतलब ये तो 16% है मार्च में, और मई के महीने में इस 16% से 15% ज्यादा, तो 16% से 15% ज्यादा मतलब 18.4। भाई 16% का 15% कितना होता है, 16 × 15 240 होता है, डिवाइड बाय 100, 20 है तो 2.4, उतना 16 में ऐड कर लो। अब तो समझ आ गया होगा यार, इतना समझाने के बाद भी नहीं आए तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है। जो ध्यान नहीं दे रहा होगा अभी भी उसको नहीं समझ में आया होगा, अब तो आ जाना चाहिए, अब तो ओरली निकलना चाहिए आप लोगों से। अब क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ई इन मार्च, तो ई का मार्च वाला देखो कितना दिख रहा है, 12%। तो ये दोनों को अगर हम ऐड करें तो 16 × 32 = 33, 34.4 का डिफरेंस किसके साथ, 12% के साथ निकालना था। माइनस कर दो इसमें 12, कितना बचेगा, तो 22.4% इसका निकालना है। कैसे निकालोगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20 दो कैरी, 5 × 10 दो 12 एक कैरी, 5 × 10 और 11 फिर 2 × 2 = 4 = 0 = 6 = 3 = 3 आंसर हो गया। समझ में आया, अब अभी भी नहीं आया बोलोगे तो भैया मैं अपने ये बाल ना खींच दूंगा, तो ऐसा हो गया है, और नहीं समझा पाऊंगा आज, आज तो नहीं कल वल फिर समझा दूंगा भले। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाओ भाई, कौन 9870 आंसर दे रहा था भाई, थर्टी थ्री पॉइंट फोर नहीं होगा। विजय कुमार रे फिर से करके देखो, देखो इसमें क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को बनाते हैं, अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, आ भी गया शायद कुछ लोगों का, देखते हैं। व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट सी इन मे, तो सी का मे वाला निकालना है, 20 का 20% बढ़ाओगे 24% होता है। अब मैं अपनी स्पीड से कर रहा हूं क्योंकि अब तक समझ में आ चुका होना चाहिए आप लोगों को, तो मैं अब अपनी स्पीड से सॉल्व कर रहा हूं जैसा मैं एग्जाम में करूंगा। तो बोला व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन मे, सी का मे मतलब 20 का 20% बढ़ाओगे तो 24% हो गया, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इन बोथ द मंथ्स, तो 20 और 24 यानी कि 44 का 20% कितना होता है ये आपको निकालना है। ठीक है, ये 10 हो गया, ये 22 हो गया, ये 11 हो गया, 500 / 11, 11 × 44 बचा 60, 6 ये होगा अप्रोक्स,
कुछ गलत कर दिया क्या? 55 कैसे दे रहे हो यार? What is the approximate percentage of the number of mats manufactured by unit C in May? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, मैं मेरी गलती थी, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया था। कैसे किया देखो, कैसे किए ये देखो, 22 डिवाइड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100, 44 का 50% कितना होता? 22 होता, पर ये 22 से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, मतलब 50 से थोड़ा ज्यादा ही आपका आंसर, 50 से थोड़ा ज्यादा ही आपका आंसर, खत्म, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। चौबीस बाय चौवालीस था, मैंने 20x44 ले लिया था, वही तो गलती कर दिया ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती ही है दोस्तों, इसलिए हड़बड़ी मत मचाओ, मैं तो यही बोलूंगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है। देखो कितना ही हड़बड़ी मचा लिए, 8:30 तो बजी गया, तो क्या ही फायदा हुआ हड़बड़ी मचा के। सेम चीज जब हम क्या है ना, गाड़ी तेज चलाते हैं, जब हम गाड़ी जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस, रियल लाइफ तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक प्रैक्टिकल और सही चीज बोलूंगा एज अ एल्डर ब्रदर, कि जब हम गाड़ी तेज चलाते हैं ना, कहीं हम लेट हो जाते हैं ना, तो हम गाड़ी तेज चलाते हैं, हमको ऐसा लगता है हमको जल्दी पहुंचना है, हमको जल्दी पहुंचना है। अरे आप कितना भी तेज चला रहे हो, 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो आप 10-15-20 मिनट की किसी रूट पे जा रहे हो, तो कितनी भी तेज आप चला लो गाड़ी, 2 से 3 मिनट, हार्डली 5 मिनट का फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कुछ लोग ये सोच कर कि स्पीड से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, उस 5 मिनट को बचाने के चक्कर में निपट जाते हैं, हाथ पैर तुड़वा लेते हैं। तो कभी भी ये मत सोचिए कि गाड़ी तेज चलाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, बहुत कम फर्क होता है दोस्तों। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आप क्वेश्चन करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस चीज का। मैथ्स के स्टूडेंट हो आप लोग, बैंकिंग वाले जो मैथ्स बनाते हैं, तो एटलीस्ट आप लोग ये चीज बिल्कुल भी कोई करे आपके सामने, यार तेज चलाया और जल्दी जाना है, तो उसको समझाइएगा भाई कितना भी तेज चला ले, 2-4 मिनट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, नाम रोशन करते रहिए। सर पहले आप पॉइंट से बचते थे, अब आप पॉइंट में सिखा रहे हो, व्हाट इज दिस सर? यार ये कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाएगा आपकी, ये कोई बहुत ज्यादा ज्यादा पॉइंट पॉइंट नहीं है, बहुत छोटा छोटा चीज है ये। 170 MB इन 576p, सब ठीक है। लो बताओ यार, कुछ लोगों का डेटा कम जाता है, कुछ लोगों का ज्यादा जाता है, मैं परेशान हो जाता हूँ यार ऐसे में। कुछ लोग 720p में HD क्वालिटी में देख के बोलते हैं सर डेटा ज्यादा जा रहा है, थोड़ा क्वालिटी कम करके देखिए। ठीक है, वैसे आज मैंने थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज की है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डेटा कम जाना चाहिए, कल मैं और भी कुछ चेंज करके देखूंगा ताकि और भी डेटा कम जाए। ठीक है, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।